अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चे का प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था। ये लास्ट नाइट हमने बनाया था, मॉर्निंग को इसे लेके जाना था और तबीयत अच्छी नहीं होने की जैसे लास्ट मोमेंट में हमें इसको बनाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैंने इसका नेम वगैरह जो है छुपाने के लिए ये वाला स्टिकर लगाया है और यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया था। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों की इस तरीके की प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, देते हैं और अच्छा लगता है इस तरीके के। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ बनाया क्रिएटिविटी। तो इस तरीके का जो मैथ्स और इंग्लिश का ईवीएस का देते हैं तो उसका बनाकर हमें बच्चों को देना चाहिए और इसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गए मॉर्निंग, क्योंकि रात में हमने बनाया था, सुबह में बच्चे ने लेकर चले भी गए, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग का। तो यहाँ पर बच्चे जाने के बाद दिन सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, फिर बच्चे जाने के बाद मैं जो है यहाँ पर गार्डनिंग का जो एरिया है उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है पतझड़ का मौसम और बहुत ज़्यादा जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं तो उनको साफ़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कचरा कचरा ऐसा महसूस होता है। तो मैंने यहाँ पर वही साफ़ कर रही थी। तो उसके साथ ना यहाँ पर देखिए बहुत सारी मिट्टी भी गिर जाती है जब हम पौधों को वाटरिंग करते हैं, तो जब ओवरफ्लो होके गिर जाता है तो उसके साथ मिट्टी भी गिर जाती है, फिर इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर जमा हुई है। तो इसको मैं लिप्स को है निकाल दूंगी, कचरे में फेंक दूंगी और जो मिट्टी है उसको मैं दोबारा से पौधों में डाल दूंगी। और यहाँ पर देखिए नया वाला एक छोटा सा प्लांट उगा है, पता नहीं किस चीज़ का है, मैंने सोचा है लेमन का है, बट ये लेमन का नहीं है क्योंकि लेमन के लिप्स में से लेमन की खुशबू आती है, बट इसमें कुछ खुशबू नहीं थी। अभी देखेंगे बड़ा होगा तो पता चलेगा, अभी तो छोटा सा पौधा है। और यहाँ पर ये सारी सफाई हो रही है, ऐसी चीज़ें ना करना अच्छा लगता है, पौधों की साफ सफाई वाटरिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। अभी तो हमारे पौधे ज़्यादा हो गए, एक एक करके हमने इसको गार्डन को बनाया एक एक पौधा करके, क्योंकि हम एक साथ सारे नहीं ला पा रहे थे तो हमने सोचा कि एक एक जब होता है तब एक एक पौधा लाकर हमने जमाया है, मतलब एक गार्डनिंग टाइप बनाया है। तो यहाँ पर ये मिट्टी सारी मैं डाल दूँगी दोबारा से पॉट में, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि कोई कचरा वगैरह हो तो निकाल दूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो धूप भी बहुत अच्छी आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देती हूँ हमारे घर के सामने का, ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह। लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा कोहरा था, अभी सब कुछ क्लियर हो गया। और यहाँ पर गुलाब के जो मेरा पौधा है उसमें रेड रेड नए लीव्स निकल आए हैं, मैं ऐसे देखती रहती हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं पौधे में। और ये हमारा अभी नाश्ता बन रहा है, मतलब बन गया है। और अभी हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है उस पर। बुलबुल सिस्टर को बेबी हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लेकिन जहाँ पर बुलबुल सिस्टर का बेबी हो रहा था उसी टाइम पर बाजी जो है रील्स में बिजी थी। रील्स इतने इम्पॉर्टेंट हो गए, रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। अभी बुलबुल सिस्टर का ऐसा टाइम है तो बातचीत वगैरह करती रहना था कि क्या है किधर कैसा क्या, लेकिन अभी जो है इधर हो रही है डिलीवरी और यहाँ पर जो है बेबी की जो बेबी की फिक्र किए बगैर रील्स निकाले जा रहे हैं। और रील्स तो ऐसे कि हिजाब भी उनका निकल गया है, अभी तो बाजी हिजाब का भी परवाह किए बगैर जो है रील्स की परवाह कर रही है। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अगर आप मेरे बात से सहमत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक हमने आसिफा सिस्टर को पहले से देखा है एक अलग वे में और अब हमें आसिफा सिस्टर नज़र आ रही है एक अलग ही वे में, तो बात करना बनता है। और अभी तो उन्होंने हिजाब की भी परवाह नहीं की, और तो और जब वो कुकिंग कर रही थी किचन में गाना गा गा कर, मैं यहाँ पर गाना गा कर बताना भी नहीं चाहती, लेकिन वो गाना गा गा कर जो है कुकिंग कर रही थी, हमें तो इबादत करते हुए कुकिंग करना चाहिए, अगर उतना भी ना हो सके तो खामोशी से तो कर ले। ये गाना गा गा कर जो है कुकिंग कर रही थी और अपनी सासू माँ की कड़ी की रेसिपी है वो भी हंस हंस के हमारे साथ शेयर कर रही थी। तो जी फ्रेंड्स, आप मेरे इस बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक।